केजरीवाल की गारंटियां, हम वो चीज कहते नहीं जो पूरी नहीं कर सकते, हम जो कहते हैं वो पूरी करते हैं। अब मोदी जी भी गारंटियां बोलने लगे हैं, बोलते हैं ना मोदी जी, मोदी की गारंटियां। मैं तो यही कहूंगा, जब 140 करोड़ लोगों ने बीजेपी के लिए बजा दी खतरे की घंटियां, तब याद आई मोदी जी को गारंटियां। ये गारंटियां नहीं चलेंगी, केजरीवाल वाली गारंटियां अच्छी हैं भाई साहब, वो पूरी होती हैं। आपके बच्चों को शिक्षा, बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। मैं तो यही कहने आया हूं कि आप इतनी देर से अंधेरे में नेताओं को और मेरे जैसे लोगों को सुनने के लिए बैठे हो। मैं किस जन्म में ये कर्ज उतारूंगा भाई साहब, अगर मैं लोगों के प्यार का कर्जा उतारना शुरू करूं, हर सांस के बाद भी धन्यवाद कहना शुरू कर दूं, तो भी चार पांच जन्म लगेंगे आपके प्यार का कर्जा उतारने में भाई साहब, जिस कदर आप लोगों ने प्यार दिया है। इसलिए मैं आपको ये कहने आया हूं, दो चार दिनों में, दस दिनों में आपको इनके सभी के पतन का भी नंबर पता चल जाएगा, पहले नंबर पर आया या दूसरे नंबर पर, तीसरे पर। भाई साहब पतन जो मर्जी नंबर पर हो, लेकिन 3 दिसंबर को आना पहले नंबर पर है। मुझे पत्रकारों ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा भर के सीटें आएंगी, भर के मध्य प्रदेश से। कहते आप किसी सर्वे में नहीं आते, मैंने कहा आम आदमी पार्टी है, ये सर्वे में नहीं आती, सरकार भी आती है, हम तो सरकार में ही आते हैं भाई साहब। तो इसलिए मैं कहने आया हूं, जब भी बुलाओगे दोबारा वापस आऊंगा। जब त्रिपाठी जी जीत गए, हमारे कैंडिडेट जीत गए, तो धन्यवाद करने के लिए भी आऊंगा, क्योंकि आपका एहसान रहेगा मेरे पर। मैं भी ये सोचूंगा मैं गया था, तो इसलिए मेरा मान सम्मान रखा है उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, हर वक्त साथ रहेंगे, दुख सुख में साथ रहेंगे।